गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज अभी 2 बज रहे हैं और मैं अभी जाने वाली हूँ स्मूदनिंग के लिए। एक्चुअली अपॉइंटमेंट भैया से ले ली थी बट मतलब 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी। एक्चुअली ना मुझे एक वीडियो एडिट करना था अर्जेंट, तो इसी वजह से वो वीडियो एडिट करके अपलोडिंग के लिए डाल के जा रही हूँ, क्योंकि उधर से आने के बाद फिर और इस काम में लगना पड़ेगा। इसी वजह से मैं ये सारा कुछ अपना काम कंप्लीट करके जा रही हूँ। मतलब अभी तक सारे काम ही चल रहे थे घर के, वीडियो एडिटिंग, क्लीनिंग, उसके बाद खाना बनाना, खाना खाया और अभी निकल रही हूँ जाने के लिए वहाँ पर। तो चलिए जाके आ जाती हूँ, माही को लेके जाती हूँ साथ में और जाके जल्दी से आती हूँ। हम लोग लेट आए यार और अभी भैया चले गए बाहर कहीं, तो भी पता नहीं अभी कहाँ गया है, कितना टाइम लगेगा। 15 मिनट तो बोल रहे हैं आने के लिए बट अभी टाइम कितना लगेगा समझ में नहीं आ रहा है। 3-4 घंटे तो टाइम लग ही जाने वाला है इसको भी। और 6 बजे थे तो 9 बजे घर पे वापस आए। हाँ देखो 6 बजे गए थे तो गला बैठ गया मैं। 6 बजे गए थे तो 9 बजे हम लोग पहले जब गए थे तो वापस आए थे, मतलब 3 घंटे लग गए थे। तो अभी भी 3 घंटे ही लगने वाला है। अभी कितने बजे हैं? अभी 3 बजने ही वाले हैं, मतलब 2:45 बजे, तो बस 6 साढ़े 6 तो बजे जाएंगे। मेरी हेयर कट कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी स्मूथनिंग के बाद कैसे लगेगी तो वो भी पता चल जाएगा बाद में। चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं घर पे जाके इनका रिएक्शन, है ना। अभी पता चलेगा क्या बोलेंगे। कहाँ पे चलना है तो देखते हैं, सामने भी अच्छा होगा। तो आपने मास्क पहना है क्या? हाँ। वही बोल रही थी कि मास्क क्यों नहीं पहना। विदाउट मास्क एंट्री भी नहीं है कहीं पे। हाँ चलो, नहीं लेकिन वहाँ पर ना अंदर बहुत ज़्यादा ही होता। चलो देखो माही ने दूसरा मंगा लिया। इतना पसंद आया माही को। कैसे खा रही हो। ये 2 खत्म हो गए हमारे, माही का दूसरा चल रहा है। देखना जुकाम ना हो जाए, ठंडा है। टेस्टी है ना, इसी वजह से दोबारा लिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी था। गाइज मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने Amazon से कुछ कुर्तीज़ ऑर्डर की है और वो मुझे कुछ रिसीव हो गई है और कुछ रिसीव होना बाकी है। बट अभी मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी कुर्तीज़ ऑर्डर की है। और हाँ, इस कुर्ती को दिखाने का रीज़न ये है कि आप लोग बहुत सारे लोग उस ब्लॉग में बोल रहे थे कि दी कुर्ती दिखाना, प्लीज कुर्ती दिखाना। और आप लोगों को मेरी कुर्तीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। और दूसरा रीजन ये है कुर्तीज दिखाने का कि Amazon पे अभी रिपब्लिक डे सेल भी चल रहा है। आपको ये सारी कुर्तियां बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी, मतलब जितने में मैंने लिए है उससे भी कम प्राइस में मिल जाएगी। मैंने तो ये डिस्काउंट में ली ही थी बट आपको उससे भी कम में मिल जाएगी। और कुछ मेरी कुर्तीज बाकी है आना, बट वो कुर्तीज मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, कोई ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। बट अभी जो कुर्तीज मुझे रिसीव हो गई है वो कुर्तीज मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इतनी कुर्तीज है, आप देख सकते हो। ये लगभग 9 कुर्तीज है टोटल और 9 कुर्तीज के लिए मुझे डांट इतनी पड़ी है इनसे, आपको क्या बताऊँ। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, क्योंकि 9 कुर्तीज एक साथ ऑर्डर, 9 नहीं, मैंने 11 कुर्तीज ऑर्डर की थी और 8 कुर्तीज है शायद ये। तो 11 कुर्तीज मैंने ऑर्डर की थी और उसमें से कुछ आना बाकी है। बट इतने सारी ऑर्डर करूँगी तो यार डांट तो बढ़ने वाली ही है ना, बट कोई बात नहीं यार, मैं कुर्ती लवर हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कुर्तीज़ और अच्छी भी दिखती है मुझ पर, तो पहनना तो बनता ही है। तो चलिए एक एक करके दिखा देती हूँ आपको। और सबसे पहले ना ये फर्स्ट वाली कुर्ती दिखाती हूँ, मतलब ये जो रेड वाली दिख रही हो आप, वो वाली कुर्ती दिखाती हूँ आपको। तो ये कुर्ती ना कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, कॉटन मटेरियल है इसका। ये 3/4 स्लीव्स है इसकी, यहाँ पर गोटा पट्टी है, आगे फ्रंट में कुछ इस तरह से डिजाइन है और इसमें यहाँ पर कट दिया गया है। राउंड नेक है इसका और मैंने एल साइज में ऑर्डर की है, मतलब 40 साइज। एक्चुअली मुझे यम साइज लगता था, बट अभी थोड़ा सा वेट गेन कर लिया ना, उस पर काम चल रहा है। बट होता है यार, कभी कभी हो जाता है वेट गेन, तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। अभी भाई की शादी थी, उसमें बहुत सारा खाना खाया, बहुत वेट गेन हो गया है, तो उसके चक्कर में अभी मुझे एल साइज लग रहा है, तो इसीलिए मैंने ये एल साइज में ऑर्डर किया। मतलब सारी कुर्तीज़ मैंने एल साइज में ऑर्डर की है। अभी एम साइज में जल्दी से आना है मुझे, बांधनी प्रिंट बोलते हैं इसे, तो वो है इस पर प्रिंट। काफ़ी अच्छी लगी ये कुर्ती मुझे और ब्राइट कलर है, काफ़ी सुंदर कलर है। तो ये फर्स्ट कुर्ती, इसके नीचे ना ऑफ वाइट कलर का शरारा है, तो शरारा कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। ये मैं आपको पहन के भी दिखा दूंगी सारी कुर्तीज, बट उससे पहले मैं आपको एक एक कुर्तीज दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं पहन के आपको सारी कुर्तीज दिखा दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये शरारा है और शरारे का कपड़ा भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, रेयॉन मटेरियल है, काफी ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ज्यादा अच्छा है और पार्टी वेयर लुक देता है अगर पहनते हो आप। तो ये है सेकेंड कुर्ती, ये भी सेट है, कुर्ती सेट। एक मिनट, ये कुछ इस तरह से ब्लू कलर में है, नेवी ब्लू कलर में, और 3/4 स्लीव्स है इसकी, यहाँ पर इस तरह से डिजाइन है। उसके बाद राउंड नेक है और एल साइज में मैंने ये भी ऑर्डर की है। उसके बाद इसके ऊपर ना इस तरह से झुमकी डिजाइन है, इसके ऊपर इस तरह से गोल्डन झुमकी वगैरह पहन लेते हो ना आप, और भी ज्यादा अच्छी लगेगी और पार्टी वेयर लुक देगी आपको, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसके नीचे भी कट है, इस तरह से पूरी कुर्ती है, नीचे कुछ इस तरह से डिजाइन है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगी मुझे ये। और कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आपको क्या बताऊँ, मतलब हाथ लगाने का मन करता है, रेयॉन मटेरियल है इसका। और उसके बाद ये नीचे इसके प्लाजो है, प्लाजो बोलते हैं, कोई प्लाजो बोलता है, कोई प्लाजो बोलता है, तो प्लाजो ही मतलब उसका नाम है एक्चुअली। और ये देखो इसके नीचे का जो प्लाजो है कितना ज़्यादा घेरदार है, तो बहुत ज़्यादा घेर है इसमें प्लाजो में, तो बहुत सुंदर लगा ये भी मुझे। इसके नीचे कुछ इस तरह से डिजाइन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये तो मुझे। और इस पे एक चुन्नी भी आई है, चुन्नी के साथ सूट है पूरा का पूरा, तो ये चुन्नी भी आई है इसके साथ, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है चुन्नी भी। पहनने के बाद पूरा पार्टी वेयर लुक देता है ये वाला ड्रेस। तो ये है सेकंड ड्रेस। उसके बाद ये कुर्ती है, तो ये कुछ इस तरह से है, ये मैंने हेयर कट वाले ब्लॉग में पहनी थी और आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आप लोगों ने बोला भी था, तो इस कुर्ती का लिंक दो, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ सारी कुर्ती जो भी आई है मेरे पास, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कुर्ती कितने की है, कहाँ से ली है, क्या है, तो सारी डिटेल्स। तो ये है फ्लावर प्रिंट है यहाँ पे, कुर्ती का नेक जो है वो राउंड नेक है, इसकी स्लीव्स थोड़ी सी यूनिक है, बेल स्लीव्स है इसकी, 3/4 स्लीव्स है, बेल स्लीव्स है, और यहाँ पर देखो कितना सुंदर लगता है। और इसकी डिजाइन ना आगे से भी यूनिक है, थोड़ी आगे से कुछ इस तरह से है और ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग दिया है, ये जॉर्जेट का कपड़ा है और ये पता नहीं यार, थोड़ा सा इससे सॉफ्ट सा कपड़ा है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन कलर तो इतना ज़्यादा प्रिटी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो सूट करेगा, बहुत ही अच्छी लगी ये कुर्ती मुझे और प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा कम है इसका। सारी कुर्तीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगी, आप चेक कर लेना, प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है इस मतलब सारी कुर्तीज़ के, इस वजह से मैंने इतनी सारी कुर्तीज़ ऑर्डर कर दी, इतनी कम प्राइस में मुझे मिल गई थी और अभी तो और भी ज्यादा कम प्राइस में आपको मिलेगी क्योंकि रिपब्लिक डे सेल चल रहा है इसी वजह से। तो अभी नेक्स्ट कुर्ती और मतलब कुर्ती सेट है ये, तो ये कुछ ब्लू इन कलर में ही है, बट ये थोड़ा सा वो है ना, मतलब ब्लू थोड़ा सा अलग है, क्या बोलते हैं इसे, टील ब्लू कलर है ये। और इसकी डिजाइन जो है वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसके ऊपर जो ये ऐसी डिजाइन है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और इसका नेक जो है वो कुछ इस तरह से है, भी यहाँ पर है और उसके बाद राउंड नेक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, नेक भी यहाँ पर कट दिया है और इसके नीचे कुछ इस तरह से है ये पूरी कुर्ती, मतलब पूरी कुर्ती में ये डिज़ाइन है। और इसके नीचे का प्लाजो आपको दिखा देती हूँ, इसके नीचे जो प्लाजो है पूरा भरा हुआ है। इस तरह से प्लाजो है इसके नीचे और ये भी पार्टी वेयर लुक देता है पूरा कुर्ता सेट। बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। इसके ऊपर गोल्डन ज्वेलरी पहन लो, बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। आप पार्टी के लिए रेडी हो जाओगे, तो कहीं पर भी जा सकते हो इसे पहन के। आप कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, इसे पहन के जा सकते हो। इसका जो लुक है वो एक्सेसरीज पे डिपेंड करेगा, मतलब आप कौन सी एक्सेसरीज पहन रहे हो इसके ऊपर। जैसे कि आप सिर्फ झुमकी पहन लो तो कोई भी छोटा मोटा फंक्शन अटेंड कर सकते हो, थोड़ा सा नेक पीस बैंगल्स वगैरह पहन लो तो बड़ा सा फंक्शन अटेंड कर सकते हो। इसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रेडी होते हो। नेक्स्ट कुर्ती है, ये कुर्ती सेट है। ये कलर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये जो हल्दी कलर है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। येलो कलर, टर्मरिक येलो कलर। तो ये देखो पैक नेक है इसका। ये भी ना मैंने पहन के देखी थी, इसी वजह से साइज का इशू हो जाता है ना कभी कभी, इसी वजह से पहन के देखना पड़ता है आते ही। तो ये देखो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस तरह की एक टील ब्लू कलर की कुर्ती है मेरे पास और बहुत ज्यादा अच्छी निकली, तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर कर दी। और इस तरह के कपड़े ना मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब क्या होता है कि कंफर्टेबल लगते हैं और वॉश करने में भी बहुत ज्यादा ईजी होते हैं। तो इस तरह से स्लीव्स है इसकी, नीचे इस तरह से डिजाइन है स्लीव्स पे, 3/4 स्लीव्स है, पैक नेक है पूरा। और उसके बाद ये खटखट की जो आवाज आ रही है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे साइड में, तो इसी वजह से वो खटखट की आवाज दिन भर आती रहती है। उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती यार, इतनी परेशान हो गई हूँ मैं खटखट की आवाज से। बट क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन तो अभी 1-1.5 साल तो चलेगा ही वो कंस्ट्रक्शन। और अभी देखो ये वाला बहुत ज्यादा सुंदर है ये कुर्ता भी। इसके नीचे पैंट है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यार पैंट भी, मतलब इसका जो लुक आता है ना पहनने के बाद, बहुत रिच लुक आता है। ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट पैंट है इसके नीचे, बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला कुर्ता भी। और प्राइस के अकॉर्डिंग तो इतने सुंदर है ये कुर्ते। जैसे कि आप कपड़ा लेते हो, उसके बाद सिलाने डालते हो, उसके बाद जब आता है तो कभी अच्छा निकलता है, कुछ दिन आप यूज करते हो, उसके बाद डाल देते हो, पहनते नहीं हो, तो उससे अच्छा है रेडीमेड ले लो। क्योंकि मैं जब से रेडीमेड ले रही हूँ ना, मतलब ये कुर्ता पैंट सेट या कुछ चुन्नी के साथ भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी झंझटी खत्म हो गई है। पहले ना मैं क्या करती थी, वो सिलाने के लिए डालती थी, उसके बाद वो आने के बाद पहनो, उसके बाद कभी फिटिंग अच्छी बैठती है कभी नहीं बैठती है। बट जब से रेडीमेड यूज कर रही हूँ तब से तब फिटिंग की झंझट नहीं है ना किसी भी चीज की। और अच्छा नहीं आया तो हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं, बट सिलने के बाद तो हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये देखो, और कॉस्टली भी नहीं बैठता है ज्यादा। ये है नेक्स्ट। ये तो इतना ज्यादा पसंद आया मुझे कि सबसे ज्यादा फेवरेट बन गया है मेरा ये। ये देखो बहुत ही ज्यादा सुंदर है यार, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। मतलब ये ना एकदम लेमन कलर है, लेमन कलर पे इस तरह से प्रिंट है, उसके बाद 3/4 स्लीव्स है, यहाँ पर गोटा पट्टी भी दी है, पार्टी वेयर लुक देता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सोबर भी लगता है और डिसेंट लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यार। और ये ना अम्ब्रेला है, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ अम्ब्रेला ही बोलते हैं इसे तो। और नीचे कुछ इस तरह से डिजाइन दी है, गोटा पट्टी है, नीचे इस तरह से डिजाइन दी है जैसे स्लीव्स में दी है। और पीछे पैक नेक है और आगे फ्रंट में कुछ इस तरह से नेक है। मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो ये पहनने के बाद आप देख लेना कितना सुंदर लगता है। ये इसका कुर्ता है, उसके बाद ये इसका प्लाजो है, ये भी कुछ इस तरह से ओवरऑल प्रिंट है इस पे, और उसके ऊपर चुन्नी है, मतलब पूरा ड्रेस है ये। इसके ऊपर चुन्नी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दी है इन्होंने, मतलब शिफॉन की चुन्नी है, काफी ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे ऐसी चुन्नियाँ ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब लाइट वेट होती है और इतनी सुंदर लगती है, इतना रिच लुक देती है ना ये, बहुत ज्यादा सुंदर लगी मुझे ये भी। तो ये है नेक्स्ट सेट, वाइट इन कलर में है। और वाइट कलर का ना मेरे पास आई थिंक 1-2 ही पीस है, इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। और देखते ही इतना ज्यादा पसंद आया ना मुझे। ये ना सिर्फ कुर्ती और इसमें चुन्नी है, आप इस पे व्हाइट लेगिन पहन सकते हो या ब्लू लेगिन भी पहन सकते हो। इस तरह से इस कलर का ब्लू लेगिन पहन सकते हो आप इस पे। बट इसका डिजाइन ना बहुत ज्यादा यूनिक लगा, और इसका कपड़ा क्या बताऊं आपको, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है। देखो बहुत ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका डिजाइन काफी ज्यादा प्यारा लगा मुझे, देखो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये जैकेट टाइप है थोड़ा सा, और काफी ज्यादा सुंदर लगता है यार। और आप देख सकते हो ये 3/4 स्लीव्स है, यहाँ पर भी डिजाइन है, और नीचे कुछ इस तरह से ओवरऑल डिजाइन है। पहनने के बाद लुक देख लेना कैसा आएगा। तो उसके बाद इसके ऊपर एक चुन्नी है, तो वो चुन्नी भी देख लो, बहुत ज़्यादा सुंदर है चुन्नी भी, एकदम पतली सी चुन्नी है जैसे मुझे पसंद आती है, और एक साइड में लो तो बहुत ज़्यादा रिच लुक देती है इस तरह से। वैसे भी मुझे इस तरह की चुन्नियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट किसी किसी की चुन्नियाँ ना बहुत कम आती है, छोटी सी आती है, और मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है ना, मतलब 5'7" हाइट है मेरी, तो 5'7" हाइट के अकॉर्डिंग चुन्नी बहुत ज़्यादा छोटी होती है मुझे कोई भी, बट ये चुन्नी ना लेंथ वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये चुन्नी है, इसके बाद एक ये है, इसका भी पिक मैंने आपके साथ शेयर किया है कम्युनिटी पे, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कुर्ती, सिंगल कुर्ती है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये देखो, इसका कलर भी मतलब कलर भी वही है, टील ब्लू कलर, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डार्क है। तो 3/4 स्लीव्स है इसकी, यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन है, इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, इसकी वजह से ही मैंने ये देखते ही ऑर्डर कर दिया था, डिज़ाइन की वजह से। एम्ब्रॉयडरी है पूरी यहाँ पर, और उसके नीचे पूरा फ्रिल वाली कुर्ती है, मतलब ऐसे घेर वाली कुर्ती है, बट ये एज अ आप ड्रेस भी पहन सकते हो। मैं तो एज अ ड्रेस ही पहनने वाली हूँ इसे, कभी एज अ ड्रेस पहनने वाली हूँ, कभी कभी मैं इसके नीचे चाहे आप ये ऑफ वाइट कलर का लेगिन पहन लो एंकल लेंथ, या वाइट कलर का लेगिन पहन लो। मैंने उस दिन वाइट कलर के लेगिन के साथ इसे पैरअप किया था, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और सबको पसंद आई ये कुर्ती, मतलब जितने भी लोगों ने मुझे देखा ना उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सब मैंने एल साइज़ में ऑर्डर की है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको जो भी साइज़ लगता है, और ये एज ए ड्रेस भी आप पहन सकते हो। यहाँ पर कट है नीचे, पूरे ओवरऑल बटन दी है, ये बटन ओपनेबल नहीं है लेकिन पूरी बटन पैक है, और यहाँ से ही इतना कट है। तो ये कुर्ती भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और जो भी कुर्तीज़ मैंने अभी दिखाई आपको उसमें से ऐसा एक भी नहीं है, नहीं तो मैं पीस रिटर्न कर देती, एक भी पीस ऐसा नहीं है कि मुझे जो पसंद नहीं आया है, मतलब देखते ही नहीं पसंद आया है, ऐसा एक भी पीस नहीं है। तो ये है मेरी लास्ट कुर्ती, इस तरह की कुर्ती मैंने इससे पहले भी ऑर्डर की थी, बट वो ओपनेबल थी और ये ओपनेबल नहीं है, वो पूरी यहाँ से ओपनेबल थी, ये ना पूरी घेर वाली है। और मुझे कब से मन था, मतलब काफ़ी सारे ब्लॉगर को देखा था मैंने इस वाली कुर्ती को पहने, बट मेरा कब से मन था कि ऐसी कुर्ती मैं ऑर्डर करूँ, बट ऐसा होता है कि जाने दो, मतलब काफ़ी सारे लोग पहन रहे हैं तो कॉमन हो जाता है, बट काफ़ी दिनों से मन था कि यार ये वाली कुर्ती मेरे पास होनी चाहिए, तो मैंने फाइनली ऑर्डर कर दी और आ भी गई है। इस तरह से ये प्रिंट है यहाँ पे, कपड़े की बटन दी है, मतलब बटन्स नहीं है, ये इस तरह से होता है ना, ये नॉट जैसा वो है, और घेर वाली है, इसे भी आप एज ए ड्रेस पहन सकते हो। यहाँ पर बेल्ट लगा लो, एज ए ड्रेस इसे भी आप पहन सकते हो, बट इसके नीचे पैंट दिया है, प्लाजो भी बोल सकते हो, पैंट भी बोल सकते हो, स्ट्रेट पैंट है ये, मतलब थोड़ा सा घेर वाला स्ट्रेट पैंट है। तो ये देखो, इस पर भी ओवरऑल कुर्ती की जैसी ही डिज़ाइन है, और इसका स्काई ब्लू कलर है। आई होप आपको ये सारी कुर्तीज़ पसंद आई हो। अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ती परचेज करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय हॉल स्टोर का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस कुर्ती को, मतलब इनमें से कोई भी कुर्तीज़ को परचेज कर सकते हो। अब यही कुर्तीज़ नहीं, इसके अलावा भी वहाँ से आप ले सकते हो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, आप चेक कर लेना। अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको ये सारी कुर्तीज़ दिख जाएगी। तो चलिए अभी इसका लुक बुक देख लेते हैं। अभी ये आए हैं तो इनका रिएक्शन देखती हूँ। और हाँ, सीसीटीवी चालू कर दी क्या? सीसीटीवी स्टार्ट हो गई है हमारी। देखो यहाँ के क्यों नहीं चल रही है ये? हाँ ये देखो सब चल रहा है। देखो तो अभी बताइए मुझे, ये बताओ मेरे बाल वैसे वैसे ही लग रहे हैं या मतलब अच्छे लग रहे हैं? अभी आज बताओ मुझे। पिछली बार से अभी अच्छे लग रहे हैं। सच में? अभी ऐसा ठंडा रिएक्शन क्यों है आपका? रिएक्शन ठंडा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसा आ गया। अरे यार कितने सुंदर लग रहे हैं आपके बाल, ऐसे तो भी बोलना चाहिए था यार कम से कम। एकदम से नहीं बोल सकते ना। एकदम से ऐसे ओ माय गॉड इतने सुंदर एकदम से हाँ ऐसे बोलना चाहिए था। ओ माय गॉड इतने सुंदर बाल और मेरी आंखों में एकदम चमक आ रही है। हाँ मेरे आंखें इतनी चमक क्यों रही है आपके बाल देख के? डिरेक्टिव क्या है? वो अपने मन में बड़ा रहा है। हाँ तो बताओ ना सही में। पिछले बार से आपके बाल अभी एकदम मतलब चमक रहे हैं। मुझे तो इस बार थोड़ा सा ये नहीं लग रहा, मतलब थोड़े कम लग रहे हैं ना पिछली बार से मतलब जो कम है। हाँ पहले जो सबसे पहले की थी तो वो भैया भी बोल रहे थे कि जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम लोग करते हैं ना मतलब स्मूथनिंग, एक मिनट भी करने तो जब हम लोग सबसे पहले स्मूथनिंग करते हैं ना तो भैया बोल रहे थे कि तब शाइन बहुत ज्यादा आती है और जब सेकेंड टाइम करते हैं ना तो तब कम आती है बोलते रहते। तो इसी वजह से मतलब इसके ऊपर कैरेटिन करना पड़ेगा बोल रहे थे। अभी तो कुछ दिनों के बाद मैं कैरेटिन करवा लूंगी और क्योंकि ना इसका प्रोटीन चला जाता है जैसे केमिकल यूज करते हैं तो इसी वजह से उसके बाद कैरेटिन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बोलते हैं। तो कुछ दिनों के बाद कैरेटिन करूँ ना? बताओ ना करो ना अरे कोरोना को दूर रखो, कोरोना को दूर रखो, अपना बताओ। करो ना मतलब हाँ तो ठीक है। फिर इसके बाद कैरेटिन होगा तो उसका भी ब्लॉग आएगा आपके लिए। चलिए फिर कर दूँ ना एंड ब्लॉग को? करूँ? अरे बाय करते हो रहे, बाय इतनी जल्दी बाय भी कर दे रहे हो, क्लोज कर देना। तो चलिए फिर, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना और शेयर भी करना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसके साथ 2 और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चले फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय। आप किसके दे रहे हो? अरे मैं आपकी कॉपी कर। चलो बाय बाय माही, बाय। मैं कपड़े चेंज करके आ गई 2 मिनट पहले। अधिक का रिएक्शन देखो। बच्चे मार रहा है।